मिस इंटरकॉन्टिनेंटल विजेता करेन गेनमैन झीलों की नगरी उदयपुर पहुंची। लेक सिटी की खूबसूरती से अभिभूत गेलमैन ने कहा कि असली खूबसूरती का मतलब अंदर से खूबसूरत होना है, तभी आप बाहर से भी खूबसूरत हो सकते हो। पत्रकारों से रूबरू होते हुए गेलमैन ने मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट की जानकारी देते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आउटरीच का एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित होगी, जो गर्व की बात है। मिस डिवाइन ब्यूटी के विजेता मिस अर्थ और मिस इंटरकॉन्टिनेंटल 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गेलमैन ने महिलाओं के साथ बढ़ते यौन शोषण के मामलों को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस तरह की पीड़िताओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार को बड़े प्रयास करने चाहिए, जिससे वो हीन भावना से ग्रस्त न होकर एक सम्मान की जिंदगी जी पाए। An ideal platform for every young woman who is ambitious, who is inspired to do something for her personal career, of course. But also we have a lot of contestants which afterwards, after winning the title, they were in charity organizations, in foundations. It's beautiful. I just got here a few hours ago. After this interview, I'm actually going to be going to do a bit of sightseeing. So I'm very excited. It's beautiful. I heard lots about Udaipur, the city of lakes, I believe. Yeah.